नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस डेली क्यों गिर रहा है, किस कारणों के वजह से गिर रहा है, क्या आपको अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, जब से कोविड आया था और विश्व भर में लॉकडाउन था, तभी गोल्ड हर दिन ऊपर जा रहा था। और जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन तैयार होने की खबर आ रही है, तभी से गोल्ड गिरे जा रहा है। पिफिजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना जब कोविड वैक्सीन सक्सेसफुल ट्रायल्स का अनाउंसमेंट किए थे, उसके एक वीक के भीतर गोल्ड 5-7% गिर गया। 52,000 से गोल्ड लगभग अभी 48,000 के ऑड लेवल्स पर आ गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्यों गोल्ड इतना ऊपर जा रहा था। दोस्तों, गोल्ड की डिमांड इंडिया और चाइना में बहुत कम हो रही थी, पर अमेरिका में गोल्ड ETF में इनफ्लोस ज्यादा बढ़ रहे थे। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे एक इंडेक्स का निफ्टी का ETF होता है, वैसे ही गोल्ड के भी ETFs होते हैं, जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया जाता है। तो ये गोल्ड ETFs में बाइंग हो रही थी अमेरिका में, इसलिए गोल्ड का दाम ग्लोबली उठ रहे थे। जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, लोगों ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से निकालकर गोल्ड में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए शेयर मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे और गोल्ड के रिटर्न्स भाग रहे थे इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन। अभी क्या हो रहा है, जैसे वैक्सीन कंपनीज अपने ट्रायल्स सक्सेसफुल होने के दावा कर रही है, तो लोगों का विश्वास अभी शेयर मार्केट में है। लोग अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड से निकालकर इक्विटी में कर रहे हैं, इसी के वजह से गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं और शेयर मार्केट में इनफ्लोस ज्यादा होने के कारण अभी उठ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जब बनाते हो, तभी डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। डाइवर्सिफिकेशन यानी आप एक ही एसेट क्लास में पूरा पैसा ना लगाएं, यानी आप पूरा इक्विटी में पैसे ना लगाकर 60% इक्विटी और 20% गोल्ड या 20% डेट फंड्स में भी आप लगाएं, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करें। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जब भी शेयर मार्केट इतने नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको गोल्ड पॉजिटिव रिटर्न्स देता है, जिससे आपका फंड एक हेज हो जाता है, तो आपको लॉसेस ज्यादा नहीं झेलने पड़ते। अगर मान लीजिए दोस्तों, किसी ने मार्च अप्रैल के महीने में अपना पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया होता, तो कितना लॉस होता। अगर वही अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन करके थोड़ा इक्विटी में और थोड़ा गोल्ड एंड डेट फंड्स में लगाया होता, तो उसका रिटर्न्स उतने नेगेटिव नहीं होते जितने इक्विटी इन्वेस्टर्स को हुआ है। ये बात याद रखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग अ पोर्टफोलियो। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, नियर टर्म में गोल्ड और नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी वैक्सीन के ट्रायल सक्सेसफुल होने के कारण शेयर मार्केट न्यू हाइस पे डेली जा रहा है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में गोल्ड गिर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैसे नीचे गोल्ड आता है, आप वहां पर बाय करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में और होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो गोल्ड सेल कर सकते हो ये रेट पे, आपको अच्छा प्रॉफिट्स होगा। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल समझना है, तो माय इक्विटी स्कूल ने 16 टाइप्स के न्यू कोर्सेस डिजाइन किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप ये कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।